छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में एक मकान में दबिश देकर 10 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नितिन शुक्ला त्रिलोकी नगर में एक मकान में शराब का जखीरा रखा है, जिसके बाद छिंदवाड़ा सीएसपी थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंची और अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। कुंडीपुरा TI पूर्व चौरसिया को सूचना मिली थी कि त्रिलोकी नगर में नितिन शुक्ला नाम का व्यक्ति अंग्रेजी शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तो 10 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे अभी पूछताछ जारी है। मुखबिर की सूचना आई थी कि पातालेश्वर रोड पर अन्नपूर्णा मंदिर के सामने कोई व्यक्ति शराब बेच रहा है और उसके पास शराब की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है जो कि अवैध है। उस मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी कुंडीपुरा के साथ साथ मैं भी गया हुआ था। लगभग एक घंटे की तलाशी के बाद सभी कमरों और कुछ संदिग्ध स्थानों पर भी तलाशी ली गई, जिसमें एक बंद पड़े कमरे में से 11 पेटी अंग्रेजी शराब, चूँकि नामी कंपनियों के भी हैं, MD हैं, रॉयल चैलेंजर्स है और कुछ अन्य जो क्वालिटी है उनकी है, इन सभी में जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। और इससे जुड़े सूत्रों से ये कहां से आ रही है और कहां को जाती थी, इसके पूरी चैन को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी नितिन के पहले भी कुछ अपराध हैं शराब बेचने के संबंध में ही, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसमें पुलिस ये पता लगा रही है कि जो शराब आ रही है छिंदवाड़ा के अंदर अवैध शराब, ये ज़्यादातर किस क्षेत्र से आती है? अभी हाल फिलहाल कुछ इनपुट मिले हैं हमें, अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। ओपन करना अभी उचित नहीं होगा। यदि हमारी इस कार्रवाई सफल हो जाती है तो हम उसके भी अलग से सूचना जरूर देंगे। DCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।